स्वास्थ्य विभाग की लाचार व्यवस्था के कारण धूल खाने को मजबूर है ससेणा का उपस्वास्थ्य केंद्र। झांसी की तहसील टहरौली अंतर्गत ग्राम ससेणा में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली। वहीं उपस्वास्थ्य केंद्र में ना तो कोई डॉक्टर आता है और ना ही ANM। गांव वालों के बताने के अनुसार कई महीनों से स्वास्थ्य केंद्र का ताला भी नहीं खोला गया, जिससे उपस्वास्थ्य केंद्र धूल खाने को मजबूर हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महामारी के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार महामारी को भगाने के लिए काफी प्रयास कर रहे और कोरोना ग्रसित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था कर रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर की मरीजों को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है तथा ऑक्सीजन न मिलने के कारण काफी मरीज अपनी जान भी गंवा रहे हैं, केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में लगी हुई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि किसी भी हाल में हम कोरोना ग्रसित मरीजों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे तथा एक और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण ससेणा गांव में एक उपस्वास्थ्य केंद्र में एक ऑक्सीजन सिलेंडर धूल खा रहा है। आज के समय में एक सिलेंडर से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। जब हमारे प्रतिनिधि ने उपस्वास्थ्य केंद्र ससेणा की ANM से बात की तो ANM ने बताया कि हमारे यहाँ कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और यह भी बताया कि हमने 2-3 दिन पहले ही उपस्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई करवाई थी। वहीं ग्राम वालों के बताए अनुसार उपस्वास्थ्य केंद्र का महीनों से ताला भी नहीं खोला गया। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण उपस्वास्थ्य केंद्र धूल खाने को मजबूर हो गया है। और वहाँ देख के भी आए, लगभग आपके गाँव के 10-20 लोग भी साथ में थे। तो हो सकता है शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं सर, क्योंकि हम सीजन करने गए थे ना, अभी परसों ही आए थे हम, क्योंकि जो हमारे मतलब चार्ज में है ससेणा सब सेंटर जी, तो हम अभी परसों देखे क्योंकि वहाँ पहले हम वहीं पर सेशन करते थे तो वहाँ भी डिलीवरी रूम बन रहा है तो हमने वहाँ पर सेशन करना बंद कर दिया था। हम अभी आंगनवाड़ी केंद्र पे कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो जी इसकी देख रेख आप कर रही हैं? जी, उसमें ताला पड़ा है, चाबी आपके पास होगी सेंटर की? जी, सेंटर की चाबी। परसों हम आशा को दे के आए क्योंकि वहाँ साफ सफाई करवानी है ना, वहाँ मिट्टी वगैरह क्योंकि अभी बन रहा था जो भाई। ऐसा है, देखिए मैं किसी की इसलिए नहीं मान सकता हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में हम ससेणा गांव में ही खड़े हैं और हम 2 मिनट पहले ही हम सेंटर से आए हैं। सिलेंडर पड़ा है, वीडियो मैंने बनाई, देखो मैं खबर भी चलाऊंगा, आप देख भी लेना वहाँ पे, खबर भी चलाऊंगा मैं। अब झूठ हम बोल रहे हैं आप बोल रहे, ये नहीं मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं मीडिया से हम जितने भी पूरा काम करते परफेक्ट करते हैं, प्रूफ के करते हैं। ऐसे नहीं कि हम आप डॉक्टर साहब को बताया, आपको बता रहे हैं कि वहाँ सिलेंडर है और वहाँ सिलेंडर ही ना हो, ठीक है। अब ये तो एक चीज सुनो आप, ये तो आप लोगों के पास ऐसा चलता है, आप लोगों को पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है कि वहाँ सिलेंडर भी है और आप लोग कह रहे हैं सिलेंडर है ही नहीं। अब फिर कहाँ से वहाँ कोई गेट खोल गया, अंदर डाल गया कि क्या है क्या भगवान जाने। क्योंकि ये देखो अभी पूरी वहाँ पर टेंस लगी है पूरी उसमें। जी, हाँ देखा है अभी हमने, और कितने सोमवार को पूरी सफाई करवाई है सब सेंटर की, क्योंकि वहाँ पूरा मिट्टी विट्टी सब पड़ी हुई थी। जी, तो क्योंकि हम कंटिन्यू 2 साल से वहाँ कर रहे हैं। देखिए मैडम आपको बता दें, हम ना तो सोमवार में सफाई हुई वहाँ पे। एक चीज सुनो आप, हम अभी अगर आप ससेणा हो तो आप चलिए हमारे साथ, हम दिखवाए देते हैं आपको, ठीक है ना। तो सोमवार में सफाई हुई और सिलेंडर है, ये 100% सत्यता है, ठीक है। आप अभी खबर चलेगी, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और सफाई तो लगभग हमारे अंदाज से शायद महीने 2 महीने 4 महीने बीत गए होंगे। जी नहीं, ये तो गलत बात है, सोमवार में सफाई हुई है क्योंकि वहाँ इतना पड़ा हुआ था कि वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और वहाँ आपने देखा होगा सेंटर के लिए जहाँ से डिलीवरी रूम गया है वहाँ पे भी मिट्टी डलवाई है, कच्ची काली मिट्टी डली होगी। देखी डली है, देखी अंदर जाके देखा। वहाँ नहीं थी, वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ वो मिट्टी अभी डलवाई गई है। चलिए मैडम कोई बात नहीं, हमारा काम फर्ज था बताने का, मैंने अवगत करवा दिया आपको, ठीक। अब आप समझिए, कोई बात नहीं, ठीक मैडम, ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है भाई? राजेश कुमार। कहाँ के निवासी है? ससेणा। ससेणा के? हाँ। ये ब्लॉक घोषणा है, बामोर में पड़ता है? ब्लॉक बामोर। हाँ। तहसील करोटा, तहसील टहरौली। हाँ। अच्छा ये बताइए राजेश जी, आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग कितने दिन से बना हुआ है? बना लगभग 6-7 साल हो गए। 6-7 साल अभी नया निर्माण हुआ ये?
हाँ नहीं, 6 साल हो चुकी है जी। और इसमें डॉक्टर कितने दिन से नहीं आए? अभी डॉक्टर कभी कोई आता ही नहीं है जी। आज तक जब से बने डॉक्टर नहीं आए। हाँ, 2 साल है आंगनवाड़ी केंद्र खो गई। ये पता नहीं किसकी हवाले हैं किसकी नहीं है, कहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं कहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों को कब्जा है, इनकी हवाले कर दिया गया है। अच्छा, सरकार ने यहाँ पैसे खर्च किए, अस्पताल बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया गांव की सुविधा के लिए, अगर यहाँ कोई मरीज होता है या कोई बीमार होता है तो कहाँ ले जाते हैं आप लोग? घुसरा ले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक इसमें कोई ज्ञापन यापन अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में? अधिकारियों को अभी तो अवगत नहीं कराया है, लेकिन छोटी मोटी शिकायत के लिए कोई इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। अच्छा, और आंगनबाड़ी केंद्र में कोई आता है यहाँ पे सदस्य कोई जो है? यहाँ नहीं आता है कोई, इनकी हैंड ओवर है ना जो गोटी राम है। हाँ, उन्हीं का कब्जा है। अच्छा, गोटी राम कौन है ये? जी है, सामने दे रहे थे गोटी राम। कहाँ के निवासी हैं जी? जी सरसणा के जी। आंगनबाड़ी केंद्र पे कब्जे किए हुए हैं? हाँ, इन्हीं की हैंड ओवर है, आप देख लीजिए जी। आपने देखा तो उसमें क्या? हाँ हाँ, लग नहीं रहा है कि गृहस्थी के लिए मकान बना है कि आंगनबाड़ी केंद्र बना है। ठीक, अच्छा भाई, धन्यवाद। गरौठा से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, UP 24 न्यूज़।